अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसकी कॉनकेव सही तो है, कॉनकेव लेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉनवेक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके लिए रूल्स कौन कौन से हैं जरा देखिए। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल जरा देखिए भाई, ये है आपका कॉनकेव लेंस, बोथ साइड से कॉनकेव शेप का, बीच में क्या रहेगी भाई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है आपका एफ, ये क्या है आपका 2f, ये क्या है आपका एफ डैश, ये क्या है आपका 2f डैश, ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये आपकी क्या है भाई प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। वो क्या कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट ली है मैंने विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमें लगता है कि रे कहां जाएगी, यहां से, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। रे बेटा कहां से जाएगी पता है आपको, रे कहां से जाएगी, रे जाएगी ऐसे, रे कर जाएगी रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम दी प्रिंसिपल एक्सिस। हमने पढ़ा था ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट को क्या कर देता है डाइवर्ज। तो ये है इंसिडेंट रे और ये क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, बट रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाएगी, जब आप इसकी इमेजिनरी लाइन को पीछे लेकर आओगे तो वो कहां पे मीट करेगी आके फोकस, इमेजिनरी लाइन, या फिर हम ये कहें कि रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू मीट एट फोकस। समझ में आ रही बात, ये नहीं ऐसा नहीं कि कहीं से भी इधर उधर कहीं से भी चली जाए, ऐसे नहीं जाएगी। अगर पैरेलल है तो इस तरीके से रिफ्रैक्ट करके जाएगी कि अगर आप उसकी इमेजिनरी लाइन को पीछे लेकर आओगे तो अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ऐसा होगा। सो अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ऐसा लगता है कि ये रे यहां से नहीं आ रही है, कहां से आ रही है फोकस से आ रही है। समझ गए, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल जरा देखिए, सेकंड रूल क्या है, ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सेस, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपका F, ये है आपका 2F, ये है आपका F डैश और ये है आपका 2F डैश, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस रखना जब आप इसको बनाओगे तो, ठीक है। अब जरा देखिएगा दूसरी रे क्या कहती है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से बेटर निकली ना तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सीधे ऐसे पास कर जाएगी, ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है तो बिल्कुल सेम ऐसे ही निकल जाएगी, कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना है कि यह है इंसिडेंट रे और यह है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो वो क्या कह रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, इट डज नॉट गेट डेविएटेड, कहीं भी इधर उधर बैंड नहीं करेगी, ये इसका सेकंड रूल है। समझ गए, थर्ड रूल देखते हैं जरा। देखो जो मिरर हैं उनमें फोर रूल्स थे, जो लेंस हैं उसमें सिर्फ थ्री रूल्स हैं, ठीक है। क्या है ये वाला रूल, ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ और ये 2f, ये है आपका एफ डैश, ये है आपका 2f डैश, ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये है आपकी
प्रिंसिपल एक्सेस। अगर कोई भी रे क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है, सॉरी ये वाला रूल ये नहीं है, कोई भी रे अगर फोकस से होकर जा रही है, कोई भी रे अगर फोकस से होकर जा रही है ऐसे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रे क्या हो जाएगी पैरेलल टू, ऐसा ही रूल अभी हमने एक थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना, बिल्कुल सेम उसी का ही दूसरा वर्जन है ये। ठीक है, तो देखो ये है आपकी इंसिडेंट रे और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ रही बात या नहीं? तो जरा देखो रूल को पढ़ते हैं एक बार। अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, ठीक है, कहां से आ रही है बेटा, फोकस से होके जा रही है, तो लेंस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ये थ्री रूल्स हैं। अब जब आप इमेज बनाओगे तो थ्री में से कोई टू रूल्स यूज करने हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से, ठीक है, ये नोट कीजिए।